बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और उनके बयानों को सेना का मनोबल गिराने वाला बताया। भारत चीन के बॉर्डर पर गलवान में जब लड़ाई लड़ रहा है तो हमारे नेता हर दिन ट्वीट करके फौज का मनोबल गिरा रहे और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बुद्धि के बारे में प्रदर्शित कर रहे हैं। अनहार्म क्यों चले गए? अरे मालूम नहीं है तुमको कि क्या नियम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्या होते हैं, और आर्म्ड आर्म नहीं गए थे? क्यों अपने बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हो? क्यों अपनी सीमित जानकारी का प्रदर्शन कर रहे हो? कोई जानकारी नहीं तुम्हें, और देश के फौजियों का मनोबल गिराने का काम तुमने पकड़ा है, और जो भाषा का तुम इस्तेमाल करते हो, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, भाषा जो भी कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है वो अपने परिवार के संस्कारों को भी प्रतिलक्षित करता है, और कम से कम भारतीय परिवारों के परिवेश इस तरीके के संस्कार नहीं होते जिस तरीके की भाषा का तुम प्रयोग करते हो। तो जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कुछ नेता सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, आज एक बार फिर राहुल गांधी की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए हैं जिस तरीके से चीन और भारत के बीच विवाद चल रहा है उसको लेकर, लेकिन जेपी नड्डा का वर्चुअल रैली में जिस तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साधा गया, किस तरीके से देखें? देखिए, दो चीजें साफ है। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान को लेकर उनसे सवाल पूछे हैं जो बीजेपी को नागवार गुजरा है, और प्रधानमंत्री और सरकार के सूत्रों ने भी इसके बारे में जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका बिल्कुल गलत मतलब उठाया है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने, यही बीजेपी का कहना। उसने दो चीजें कही हैं। प्रधानमंत्री के कहने का मतलब दो चीजें साफ थी। पहला कि चीन की सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ हमारी सीमा में नहीं घुसी है, और जो भी सेना थी उनको हमारे बहादुर जवानों ने अपनी शहादत देके उनको अपनी सीमा के अंदर आने नहीं दिया। ये आज बात साफ किया गया है जिस प्रधानमंत्री के कल जिस संबोधन को लेकर उल्टी बातें और उल्टे सवाल कांग्रेस पार्टी कर रही थी और राहुल गांधी कर रहे थे। तो पूरा का पूरा मामला है, अब सरकार अपनी तरफ से सफाई दे रही है, और जेपी नड्डा का निशाना ये भी बताता है कि अब बीजेपी और ज्यादा एग्रेसिव होकर राहुल गांधी के सवाल का मुकाबला करेगी। जी, तो जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और ये साफ तौर पर कहा कि सेना का मनोबल गिराने का काम कुछ नेता कर रहे हैं। अब अमिताभ जी, आज पीएमओ की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर वो तमाम चीजें साफ की गई, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, और अब यानी जेपी नड्डा की तरफ से निशाना साधना ही बताता है कि सरकार के स्तर पर भी लगातार विपक्ष को जवाब दिया जाएगा सेना का मनोबल अगर कोई गिराता है, और पार्टी स्तर पर भी। यही बात प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज कही है कि एक ऐसे ऐसे सवाल उठाकर सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहा है मुख्य विपक्षी दल। प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना कि जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें सरकार के हर कदम को बिना शर्त समर्थन की बात, एकमत होकर समर्थन देने की बात सभी दलों ने कही थी, और आर्म्ड फोर्सेज यानी हमारी सेनाओं के साथ इस संकट की घड़ी में, राष्ट्रीय संकट की घड़ी में सभी दल साथ हैं, ये बात सीधे सीधे कह दी गई थी। इसलिए ऐसे समय कुछ किसी का सरकार और सेना पर सवाल उठाना ये मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा लगता है। तो सरकार के